तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप अपने आधार कार्ड में नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डेमोग्राफिक एड्रेस, फोटो और फिंगरप्रिंट्स को अपडेट कराना चाहते हैं तो आप अपने से क्या क्या कर सकते हैं और किन चीजों के लिए आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा जो आपके नियर के सेंटर है। अगर आपको नहीं पता है कि हमारा नियर का सेंटर क्या है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आप वहां पर उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं आपके नियर का आधार सेंटर कहाँ पे है। आज मैं चलिए इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आधार कार्ड नाम, जेंडर क्या चाहे चेंज करा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो मैं ओपन कर लेता और यहाँ पे सर्च बार में UIDAI टाइप कर देना। तो ये फर्स्ट वाली वेबसाइट है, देखिए UIDAI विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाली जो लिंक है UIDAI.gov पे हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये हमको रिडायरेक्ट कर देगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन है आधार प्राप्त करें। इसमें देखिए नामांकन केंद्र का पता लगाएं, आधार की स्थिति जानें, ई आधार डाउनलोड करें, आधार पीवीसी कार्ड और आधार पीवीसी कार्ड की स्थिति की जाँच करें। तो फर्स्ट वाले में इतने सेवाओं का आप लाभ ले सकते हैं और सेकेंड वाले में देखिए आधार को अपडेट करें। तो सेकेंड वाले में ही हमको आधार का अपडेशन मिलता है जिसमें आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं और कुछ चीजें आप अपने से कर सकते हैं, कुछ चीजें के लिए आपको सेंटर पे जाना पड़ता है जैसा कि मैंने पहले बताया था। और तीसरा वाला है आधार सेवाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार संख्या सत्यापित करें, ईमेल मोबाइल नंबर सत्यापित करें, वीआईपी सृजित करें, आधार पेपरलेस लोकल ई केवाईसी बेटा, उसके बाद बायोमेट्रिक को लॉक अनलॉक करें। हमको सेकंड वाले पे आ जाना है। देखिए आधार को अपडेट करें, इस पे हम थर्ड वाला जो ऑप्शन है जनसांख्यिकी डेटा अपडेट करें और स्थिति जाने, तो यहाँ पे हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए माय आधार वाले पेज पे हमको रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ से हमको पहले लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि जिस किसी को भी अपने आधार में करेक्शन करवाना है उसको लॉगिन करना पड़ता है। तो उसके लिए आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पे ही वो OTP जाएगा 6 डिजिट का जो आपको इंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको चलिए लॉगिन करना है। तो यहाँ पे हमको लॉगिन तो हमको वहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पे जब क्लिक करेंगे तो हमको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। उसके लिए आपको यहाँ पे इंटर आधार पे हमको अपना आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे हमको कैप्चा को सेम टू सेम यहाँ पे रिफिल कर देना है। तो चलिए मैं रिफिल कर देता हूँ। कैप्चा को रिफिल करने के बाद यहाँ पे सेंड OTP पे हमको क्लिक कर देना है। तो हमारे मोबाइल पे 1 6 डिजिट का OTP भेजेगा। तो चलिए मैं थोड़ा वेट कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारे मोबाइल पे OTP आ गई है। OTP को डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जैसे डाउनलोड आधार, आधार ऑर्डर, आधार पीवीसी कार्ड, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस। और यहाँ पे देखिए बैंक लिंकिंग का स्टेटस डिसेबल है और जेनरेट वर्चुअल आईडी, लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक, ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, ऑफलाइन ई केवाईसी, पेमेंट हिस्ट्री, माई हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट, डॉक्यूमेंट्स अपडेट। जैसा कि मैंने बताया था कि आप अपना नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस को ही केवल अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो सारी सर्विसेज हैं आप आधार सेंटर पे ही कर सकते हैं। तो इतने काम आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो इस पे आपको क्लिक, उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो अपडेट आधार ऑनलाइन वाले पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें सब कुछ दिया गया है। उसके लिए आपको यहाँ पे पहले आपको प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक कर देना है अपडेट करने के लिए कि क्या क्या आप अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेम आप 2 बार अपडेट करा सकते हैं जो कि अभी तक मैंने 1 बार भी नहीं कराया, तो इसमें 2 बार करा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी मैंने 1 बार कराया हुआ है, तो खाली एक ही बार डेट ऑफ बर्थ होता है। तो यहाँ पे देखिए 0 अपडेटेड लेफ्ट लिखा हुआ, उसके बाद जेंडर नहीं किया है और जेंडर आप नहीं करा सकते, यहाँ पे 0 अपडेटेड लेफ्ट लिखा है। और उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस, आप एड्रेस को चाहे जितनी बार अपडेट करा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। जैसे नाम को आपको कराना है तो नाम पे क्लिक करके उसके बाद फिर प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा नेक्स्ट पेज पे। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा हुआ है, देखिए नेम पे सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे देखिए करंट डिटेल आपको दे रहा है, ये आपका नेम दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे वर्तमान नेम इंग्लिश में और हिंदी में, और उसके बाद आपको जो नेम डालना हो वो आप वो नाम यहाँ पे डालेंगे तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में डालना और यहाँ पे ये हिंदी में
टाइप कर देगा। अगर आप कुछ प्रॉब्लम है नाम में तो आप यहाँ से, उसके बाद फिर आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, जो कि जैसे कि आपको नाम चेंज करना है तो अगर वैलिड डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको चेक करना है तो यहाँ से आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आपको जो नाम चेंज कराना है वो नाम आपके इन सारे डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए, तभी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप ये सारे में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं जिसके थ्रू आप नाम को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं पेन पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, डियर रजिस्ट्रेशन प्लीज मेक श्योर द डॉक्यूमेंट्स योर अपलोड एंड कंप्लेन विद द बिलो एडवाइस, इफ नॉट द रिक्वेस्ट मे बी रिजेक्टेड बाय आवर बैकएंड ऑपरेटर टीम। द पैन कार्ड ई पैन कार्ड मस्ट हैव नेम एंड फोटोग्राफ ऑफ द रेजिडेंस एंड स्कैन इमेज टू द डॉक्यूमेंट एलिजिबल। तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको अगर डॉक्यूमेंट का अपलोड करना है तो यहाँ पे आपको व्यू डिटेल्स अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा। अगर आपको डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया तो यहाँ पे आप डिजी लॉकर से आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअल करना है तो मैनुअल में आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रीव्यू देगा कि यहाँ से देख के आप अगर सब कुछ ओके है तो प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे फिर नेक्स्ट ऑप्शन देगा। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ये आपको सबमिट का ऑप्शन दे देगा। उसके बाद फिर आपको ये SRN नंबर से, जैसे कि मैंने बताया था पहले कि मैक्सिमम 30 दिन लगता है आपके आधार कार्ड को करेक्शन होने का, तो उसके बाद आप ये SRN नंबर आपके कॉपी करके रख लेना है, क्योंकि इस SRN नंबर के थ्रू आप अपने आधार कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में अपने चैनल पर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।